राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आप नींबू के पौधे में आपको छोटी सी जानकारी देंगे। ये छोटी सी जानकारी आपके जो बगीचे के लिए, यदि आप बगीचा लगा रखा है या फिर आप गार्डनिंग करते हैं, जैसे आपने पॉट में कोई प्लांट लगा रखा है नींबू, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो नज़दीक से दिखाइए, ये नींबू के हमारे प्लांट लगे हुए हैं और इस नींबू के छोटे से प्लांट में आप देख सकते हैं गुच्छों में नींबू आए हैं। कितनी शानदार क्वालिटी के ये नींबू यहाँ पर हमारे बन रहे हैं। अभी ये पूर्णतः मैच्योर नहीं हुए हैं, लगभग एक महीने में हमारे कंप्लीट जो नींबू हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो कांटो रहित नींबू का प्लांट है, ये हमारे पास दो प्लांट हैं और बाकी प्लांट आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हमारे पास और बाकी प्लांट जो देसी कागजी नींबू होते हैं उनके ये प्लांट हैं। तो उसमें भी इस समय जो फ्रूटिंग आई हुई है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार गुच्छों में यहाँ पर हमारे फ्रूटिंग आई हुई है। तो हमारे सारे प्लांटों में हमने वो कौन से जो उपयोग किए थे जिससे हमारे नींबू के बगीचे में हम भरपूर नींबू का उत्पादन ले रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम इस प्लांट के बारे में बात करें तो इसमें हमने कौन कौन से खाद दिए थे, कौन कौन सी स्प्रे की थी, उसी की जानकारी आज वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे इस नींबू के प्लांट में नवंबर व दिसंबर के महीने में तने से लगभग एक फीट की जो दूरी छोड़कर हमने इसकी गहरी गुड़ाई की थी। गहरी गुड़ाई इस प्रकार कर रहे हैं कि छोटी जो जड़ें हैं वह नहीं कटे। जो नींबू का जाला होता है, नींबू का जाला किस प्रकार निकालें, तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो नींबू का जाला निकालने के बाद हमने इसमें लगभग 20 से 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डाली। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर मस्टर्ड केक यानी सरसों खली का उपयोग भी किया था। सरसों खली का उपयोग जैसा कि प्लांट की औसत उम्र के हिसाब से करना चाहिए, हमारा प्लांट लगभग 2 से 2.5 वर्ष का है, तो हमने यहाँ पर 400 से 500 ग्राम सरसों की खली ली थी। उसको हमने लगभग 10 लीटर पानी में 7 से 8 दिन के लिए भिगो कर रखा छाएदार जगह में, और फिर उस खाद के साथ साथ हमने हमारे प्लांट में सरसों खली को दिया। उसी के साथ साथ एक और जो छोटा सा ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे सुहागा होता है तो सुहागा की मात्रा हमने यहाँ पर 20 से 25 ग्राम भी हमारे पौधे में डाली थी। तो ये आपके जो फ्लावर रोकने और फ्रूट जो पीले पड़कर झड़ जाते हैं उस समस्या से आपके पौधे को बचाता है। इनको डालने के बाद आप अच्छी तरह हल्की मिट्टी की लेयर चढ़ा दें और उसके बाद नियमित रूप से अपने प्लांट पर सिंचाई करते रहें, तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग आएगी, साथ ही साथ फ्रूटिंग जो आपकी फ्लावरिंग है वो सारी फ्रूट में बदलेगी। उसी के साथ साथ जैसे फूल ड्रॉप होने की समस्या है, उस समय आप किसान भाइयों की ज़्यादा चिंता रहती है, उस समय किसान जागरूक होते हैं कि अब फूल आ रहे हैं और हमारे ड्रॉप हो रहे हैं यानी झड़ रहे हैं, तो उनसे हम हमारे पौधे को किस प्रकार बचाएं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं सिर्फ जैविक की ओर हम अग्रसर करेंगे किसान भाइयों को। यदि आप रासायनिक करते हो तो आप रासायनिक ही करें, लेकिन जहाँ तक हो सके आप जैविक की ओर अग्रसर होइए, क्योंकि हमारी जो सेहत पर विपरीत प्रभाव पेस्टिसाइड डालते हैं। तो उसके लिए आपको स्प्रे करना है फ्लावरिंग आते समय सागरिका लिक्विड में आती है, और उसकी जो आपको मात्रा लेनी है 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में उसकी आपको मात्रा लेनी है। आप नोट कर लीजिए 4 से 5 ml 1 लीटर पानी में आप उसकी मात्रा लीजिए और अपने पौधों पर 5 से 6 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से अपने पौधों पर अच्छी तरह स्प्रे करें। स्प्रे करते समय ध्यान रहे कि ओस नहीं हो अपने प्लांट पर, यानी जब पूर्ण के अच्छी तरह धूप खिल जाए उस समय आप इस पर स्प्रे करें। आप हमारे प्लांट पर इस समय भी देख सकते हैं, बड़े नींबू भी हैं, छोटे नींबू भी हैं, और आपको हम दिखाएंगे दूसरे प्लांट में तो वहाँ पर यहाँ पर फ्लावरिंग भी इस समय हमारे प्लांट पर आ रही है। आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग आ रही है, साथ ही साथ नींबू हैं, छोटे नींबू हैं, और कुछ नींबू जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अभी मूंग के दाने के आकार के हुए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम आपको लेकर आते रहें HSP किसान के यूट्यूब चैनल से। जय जवान जय किसान।